Hello students, we are now going to read the second chapter of class 12th UP board based on NCERT pattern. Our second chapter is Lost Spring, and this chapter was created by the writer Anish Jung. He was born on 1964. Students, in this chapter Lost Spring, the writer is talking about the poverty, about the aimless life, and the writer had divided this chapter in two parts. Okay, let's start the first part of the chapter. Now we are going to understand the full Hindi explanation. Okay, sometimes I find a rupee in a garbage. Kabhi kabhi main ek rupee pa leta hoon in the garbage mein. Students, garbage क्या है? Garbage कूड़े को बोलते हैं, कूड़े के ढेर को हम लोग garbage बोलते हैं. तो कभी कभी एक रुपये garbage में मैं पा लेता हूँ. ये बात कौन कह रहा है? सब कुछ क्लियर होगा आपको. तो एक लड़का है जिसका नाम है साहिब. उसका एक्चुअल पूरा नाम है साहिब आलम. मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बता दे रहा हूँ कि हिज फुल नेम इज साहिब आलम, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ टू द ऑथर. तो जो हमारे ऑथर हैं तो वो कहती हैं, लेखिका हैं बेटा एक्चुअल में, वो कहती हैं, मतलब वो पूरी स्टोरी बता रही हैं उस साहिब बच्चे के बारे में. आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे क्या आता है. व्हाई डू यू डू दिस, आप ये क्यों करते हो? आई आस्क साहिब whom I encounter very morning scourging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैं साहब से पूछती हूँ, जिससे कि मेरा रोज़ इनकाउंटर आमना सामना होता है सुबह सुबह, जो वो गोल्ड खोज रहा होता है गार्बेज, यानी गार्बेज डंप यानी कि कूड़े के ढेरों में, जब वो सोना ढूंढ रहा होता है, ऑफ माई नेबरहुड, जब वो मेरे पड़ोसी में यानी मेरे पड़ोस में जब वो कूड़े के जो ढेर होते हैं उसमें वो सोना ढूंढ रहा होता है रोज़, तब उससे मेरा इनकाउंटर यानी मुलाकात होती है, या उससे मेरा आमना सामना होता है. और मैं उससे पूछती हूँ कि तुम ये क्यों करते हो. मैं साहब से पूछती हूँ, लेखिका कह रही है, मैं साहब से पूछती हूँ तुम ऐसा क्यों करते हो. अब बेटा एक बात दिमाग में हमारे होनी चाहिए, जो उसने गोल्ड कहा है, गोल्ड मतलब सोना, तो एक्चुअल में सोना नहीं ढूंढता है वो. सोने का मतलब हुआ एक ऐसी चीज़ जिसकी कीमत सोने के बराबर हो, उसके लिए कम से कम, या उसके लिए जो सोने जैसा हो, ऐसा कुछ. तो एक्चुअल में ऊपर लिखा ना, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, में कभी कभी एक रुपये भी पा लेता हूँ कूड़े के ढेर में, यानी उसको कभी कभी पैसे मिल जाते हैं उस कूड़े के ढेर में, तो उसके सोने के बराबर हो जाता है. अब सिर्फ पैसे ही नहीं ढूंढते वो लोग, अब कबाड़ी वाला क्या क्या ढूंढता है. आपने देखा होगा कूड़ा बिनने आते हैं, पहले आया करते थे कूड़ा बिनने आया करते थे, तो कूड़ा बुनने में उन्हें लोहा मिलता है और प्लास्टिक्स ले लेते हैं लोग, और कभी कोई कीमती चीज़ मिल जाती है उनको, तो यही सब वो लोग बटोर लेते हैं. और तो ये सब उनके सोने के बराबर, और कभी कभी जो उनको पैसा मिल जाता है यानी कि धन, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, तो उनके लिए सोना हो जाता है. तो ये कह रहा है कि जब वो सुबह सुबह कूड़े के ढेर में सोना, अपने जो उसका सोना है ढूंढने आता है पड़ोस में, तो मेरे उनसे, उस साहब से मेरी मुलाकात होती है. ये बात राइट हमें लेखिका बता रही है. साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने बहुत पहले ही अपना घर जो है छोड़ दिया था. सेट एमडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. बेटा और थोड़ा बारीकी से समझना है हमको. कह रहे हैं साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था, और जो कहाँ वो जो ग्रीन, जो हरी भरी
ढाका में जो अहेर मैदान थे उस पर उसका घर स्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब उसका घर जो है उसके दूर दूर तक याददाश्त में नहीं है, मतलब उसको अपना घर बिल्कुल भी नहीं याद है। ही डजंट रिमेंबर हिज होम। उसका लिखा हुआ है देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्विप्ट अवे दियर फील्ड्स एंड होम्स। कह रहा है कि बहुत से तूफान वहाँ पे आया, ढाका में बहुत से तूफान आया करते थे। ढाका बेटा ऐसा शहर है, ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत से तूफान उफान आया भी करते हैं, तो बहुत तूफान आया करते थे। दैट स्विप्ट अवे दियर फील्ड्स, जिसने उसके खेतों को बर्बाद कर दिया, दियर होम्स उनके घरों को बर्बाद कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, ये सब बातें जो है उसको उसकी माँ बताती हैं साहब को। दैट्स वाई इसी कारण दे लेफ्ट, उन्होंने वो जगह छोड़ दी। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े बड़े शहरों में गोल्ड यही जो सोना था ना, पैसे वैसे जो मिल जाते हैं, जो कीमती चीज़ें मिल जाती हैं उन्हें गोल्ड से कंपेरिजन किया गया है। तो वही जो चीज़ थी ना, ये सब वही सोना, वही कीमती चीज़ें ढूंढने के लिए, हम लोग सोने को कीमती चीज़ बोलेंगे, तो कीमती चीज़ें ढूंढने के लिए क्या शहरों में वो लोग आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, वह कुछ धीमे से कुछ बोला, बड़बड़ाना होता है धीरे से बोलना कि हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है। लुकिंग अवे, ऊपर की ओर देखते हुए उसने कहा हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। ये बात साहब ने कही हमारी लेखिका से। जो बड़ा कन्वर्सेशन हो रहा है यहाँ पर साहब और लेखिका के बीच में, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं। अब उसके बाद कह रहे जो हमारा लेखिका हैं वो कहती हैं गो टू स्कूल आई से ग्लेबली, मतलब ग्लेबली बेटा मतलब हो गया बिना कुछ सोचे समझे बोल देना, मतलब मैंने उसका परिणाम क्या होना है, उसका मतलब क्या है ना सोचना, बस जल्दी से बोल देना। तो मैंने जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया उस साहब से। लेखिका कह रही है क्या बोल दिया, गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो या स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमिडिएटली, और तुरंत मैंने इस बात को महसूस किया हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो मैंने सलाह दी है वो कितनी भद्दी है, कितनी बेकार सलाह मैंने दी है उसको। ऐसा क्यों था वो समझना कि ये स्कूल जाने वाली जो एडवाइस थी वो इतनी गंदी क्यों थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ट वन आई विल गो। तो अब जो वो है साहेब वो कह रहा है हमारे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, जब कोई स्कूल बन जाएगा, वेन दे बिल्ड वन, जब कोई स्कूल बन जाएगा, कोई स्कूल बनवा देगा, आई विल गो, मैं स्कूल जाऊँगा। मतलब उसने क्या, मतलब कोई स्कूल ही नहीं है आसपास, तो उससे स्कूल जाने के लिए कहना बेकार है ना, इसलिए उन्होंने कहा कि आई से ग्लेबली, मैंने नॉर्मली बोल दिया, बस मैंने कुछ सोचे समझे बोल दिया। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इफ़ आई स्टार्ट आई स्कूल, यदि मैं एक स्कूल शुरू करूं, विल यू कम, क्या आप आओगे। साहब से लेखिका कह रही यदि मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या आप आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने कुछ ऐसे हंसते हुए टेम्परेरी कह दिया। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बेहद तेज मुस्कुराते हुए हंसते हुए उसने धीमे से कहा यस मैं आऊँगा। आफ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसको अपने पास दौड़कर आते हुए देखा। लेखिका बता रही है इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी है। मतलब लेखिका से उसने कहा बच्चे ने क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। इट टेक्स नो लॉन्गर बिल्ड अ स्कूल, अभी तक कोई स्कूल तैयार नहीं हुआ है। आई से मैंने कहा एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीड, मैंने बहुत ही अपने आप में एम्बेरस महसूस किया, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस की एक ऐसा वादा करके जिसका कोई मतलब ही नहीं था, तो मुझे बहुत गंदा लगा। बट प्रोमिसज लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे जो वादे हैं अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इज ब्लीक वर्ल्ड, एक ना पूरे होने वाले संसार में या एक अंधकार में संसार में के कोने में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। मतलब इस तरह के वादे जो बेफजूल कर दिए जाते हैं वो वादे एक ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक मतलब होता है अंधकार से भरा हुआ स्थान, जैसे एक अंधकार से भरे हुए इस संसार के कोने में ऐसे वादे खो जाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम, जब मैं उसको लेखिका कह रही जब मैं उसको जान गई तो उसके काफ़ी महीनों के बाद आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, उसने घोषणा की या उसने बताया कि नाम क्या है उसका, साहिब आलम।
ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, और वह इसका मतलब नहीं जानता था, उसके नाम का क्या मतलब था उस बच्चे को नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मतलब जान जाता, इसका मतलब था क्या, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड का लॉर्ड, भगवान, तो कह रहे यदि वह इसका मतलब जान जाता तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको इस बात पर यकीन करने में बहुत लंबा समय लग जाता, बहुत मुश्किल से वो यकीन करता अपने नाम के मतलब पे। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ क्या कर रहा था, गलियों पर अपना समय बिता रहा था। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, और उसके फ्रेंड्स कैसे थे, एक नंगे पैर घूमने वाले एक लड़कों का झुंड। हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, जो सुबह निकलने वाली चिड़ियों के समान निकलते थे और शाम को होते होते अपने घर में गायब हो जाते थे। उसके बाद कह रहा है, ओवर द मंथ्स, महीने बीत गए, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं धीमे धीमे उन सारे बच्चों को जान गई, पहचान गई। वी आर नॉट, वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आप लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने एक बच्चे से पूछा, आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ उसे सेल्फ से निकालती नहीं है, उतारती नहीं है, सेल्फ मतलब अलमारी से निकालती नहीं है। ही आंसर सिंपली, उसने बहुत धीमे से जवाब दिया बच्चे ने, कि मेरी माता जी जो हैं उन चप्पलों को अलमारी से निकालती नहीं है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, यदि वह ऐसा कर भी दें, यदि उसकी माता जी निकाल भी दें अलमारी से, तो वह उन्हें फेंक देगा। एड्स एन अदर, और दूसरे बच्चे ने बात जोड़ते हुए कही, हु इज़ वेयरिंग शूज, जो बच्चा शूज पहने हुए था, उस बच्चे ने कहा कि अगर माता जी वो निकाल भी दें अलमारी से चप्पलें, तो ये फेंक देगा। दैट डू नॉट मैच, और वो किस बच्चे ने कही, दूसरे बच्चे ने कही जो जूते पहने हुए था, लेकिन उसके जूते मैच नहीं कर रहे थे। उसके जूते मैच न करने मतलब उसके जूतों में जो तालमेल होता है, एक मतलब उसके जूते एक जैसे नहीं थे, ये कहने का मतलब। When I comment on it, जब मैंने इस पर कमेंट किया, इस पर बात की मैंने, he shuffles his feet and says nothing, उसने अपने पैरों को हिलाया, as says nothing, और कुछ कहा नहीं। I want shoes, मैं जूते चाहता हूँ, says a third boy, अब तीसरे लड़का कह रहा है, मैं जूते चाहता हूँ, who has never owned a pair all his life, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई भी जूते का पेयर, जूता नहीं पहना था, वो बच्चा अब कह रहा है कि मैं जूते पहनना चाहता हूँ। ये तीसरा बच्चा कह रहा है कि मैं जूते पहनना चाहता हूँ। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, जब मैं वहाँ पूरे कंट्री, पूरे गांव में, उस इलाके में घूम रही थी, कंट्री मतलब वो इलाका या गांव घूम रही थी, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, मैंने बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए ही देखा। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गाँव की रोड्स पे, सड़कों पे, हर जगह बच्चे नंगे पैर घूमते थे। इट इज़ नॉट लीक ऑफ मनी, ये धन की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, लेकिन नंगे पैर रहना उनकी परंपरा है। अच्छा, इस बात को थोड़ा बारीकी समझना बेटा, अगली वाली लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं, ये पैसे की कमी नहीं है, नंगे पैर रहना उनकी परंपरा है, इज़ वन एक्सप्लेनेशन, उन सबके पास एक यही व्याख्यान होता था, एक यही एक्सप्लेन होता था, मतलब कुछ भी हो बस वो बात को छिपाते थे कि पैसे की कमी, बोलते थे पैसे की कमी नहीं है, हमारे यहाँ परंपरा है। अच्छा, आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली द एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अपने गरीबी की बहुत गंभीर स्थिति को छिपाने के लिए केवल वो उनका बस यही एक बहाना था, एक्सक्यूज बहाना था। आई वॉन्डर, अब मैं इस बात को जानती थी, इस बात से मैं परिचित थी। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी, कह रहे कि आप लिखा बता रहे हैं कि मुझे एक कहानी याद है, एक जब आदमी जो मुझे ओडीपी में मिला था एक बार, तो उसने मुझको बताई थी। ओडीपी जो है इस शहर का नाम है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो एक युवा बच्चा हुआ करता था, तो वो अपने क्या होता था कि वही वो जाया करता था, स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पीछे एक स्कूल में वो जाया करता था। एक ओडीपी में रहने वाले एक बंदे ने लेखिका को एक कहानी बताई थी, तो लेखिका वो कहानी बता रही हैं। तो वो आदमी जो था, वो जब बच्चा हुआ करता था, तो वो एक पुराने मंदिर के पीछे स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ उसके पिताजी क्या थे, एक प्रिस्ट, एक पुजारी थे उस मंदिर में, उसके पीछे जाया करता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, वो हमेशा कहाँ रुक जाया करता था, उस मंदिर में रुक जाया करता था, और एक जोड़ी
शूज़ यानी कि जूतों के लिए भगवान से मांग किया करता था, प्रार्थना किया करता था। 30 years later 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसका कस्बा देखा एंड द टेम्पल, और वो मंदिर देखा। लिखा बता रही कि मैंने वो अब कस्बा और मंदिर, जब वो कस्बा देखा वो मंदिर देखा है मैंने जब 30 साल बाद देखा था। विच वॉज नॉट ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन। तो कह रहे हैं कि वहाँ क्या था कि वो जो पूरा माहौल था वो एयर ऑफ डिसोल्यूशन हो गया था, सब आई तूफान था, बहुत गंदा माहौल था। इन द बैकयार्ड, और इसके पीछे स्कूल के पीछे साइड, मंदिर के पीछे साइड, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे क्या थी लाल और सफ़ेद प्लास्टिक कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। 30 साल बाद का माहौल बता रही लेखिका है, जब उस बच्चे ने प्रार्थना की थी भगवान से कि एक जोड़ी जूते हो जाए मेरे पास, तो बच्चा बड़ा हो चुका एक्चुअल में, तो उसने उस लेखिका को कहानी बताई थी। तो अब ये बात जो है लेखिका 30 साल बाद जब वहाँ गई तो वहाँ नज़ारा जो देखा है वो बता रही हैं। तो प्लास्टिक कुर्सियाँ थी, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का जो था जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में था, पहने हुए कपड़े पहने हुए था, वियरिंग सॉक्स मोजे पहने हुए था, शूज़ जूते पहने हुए था, अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। अराइव्ड पेंटिंग, वो थपथपाते हुए, मतलब थपथप करते हुए, मतलब कहना हो गया पैरों के जूतों की आवाज़ जो होता ना वो करते हुए आया, थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और मुड़ जाने वाले बेड पर उसने क्या किया, उसने अपने बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर एन अदर बॉय, उस दूसरे लड़के की मुझे प्रार्थना याद आ गई। वो दूसरा लड़का वही आदमी जो बचपन में था, उसने कहानी बताई थी, मतलब आदमी जो कहानी बताई थी बचपन की, उस लड़के की बात लेखिका को याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन, जो उसने प्रार्थना की थी भगवान से, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, कि जो अंततः उसको एक जोड़ी जूते मिल जाए, तो लेट मी नेवर लूज देम, और मैं उन्हें कभी खोऊंगा नहीं। उसने प्रार्थना की ना भगवान से, गॉडेस देवी से, कि यदि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएंगे तो मैं उन्हें कभी खोऊंगा नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, तो देवी ने उसकी प्रार्थना मान ली। मतलब आज वहाँ के हर बच्चे के पास जूते हैं, तो उसकी प्रार्थना मान ली गई। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वोर शूज़, और जो युवा बच्चे थे जो पुजारियों के पुत्र जैसे जो अब जूते पहनते थे, तो इस तरह से उनकी उस पुराने वाले बच्चे की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी। अब सारे बच्चे जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन जो अभी भी जो हमारे पड़ोस में जो रेग पिकर्स हैं, कूड़ा बिनने वाले, वो अभी तक शूजलेस हैं, यानी उनके पास अभी भी जूते नहीं हैं। तो बेटा मैंने आपको अभी इसमें दो पार्ट हैं चैप्टर में, तो उसमें एक पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, उम्मीद करते हैं सेकेंड पार्ट भी आप पढ़ लेंगे। तो एक पार्ट में जो पहला हिस्सा था पढ़ा दिया, दूसरा हिस्सा इसके बाद पढ़ाया जाएगा आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में आया है प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, जय हिंद।